बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट पहले भी किया था विदाउट ईयर एंड एडजस्टमेंट, अब फाइनल अकाउंट करेंगे विद ईयर एंड एडजस्टमेंट। हेडिंग बनाएं, फाइनल अकाउंट विद ईयर एंड एडजस्टमेंट, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9। कुछ बातें पुरानी होंगी, कुछ बातें नई होंगी। ट्रायल बैलेंस पुरानी होगी, ये एडजस्टमेंट्स नई होंगी। अब ये एडजस्टमेंट्स आएंगी कहाँ से? ये एडजस्टमेंट आएंगी कहाँ से? कोई चैप्टर नंबर 4 से आएगा, कामयाब करे अल्लाह तुम दोनों बच्चियों को, शाबाश। कभी आएगा चैप्टर नंबर 4 से, कभी 5 से, कभी 6 से, कभी 7 से, कभी 8 से। इन चैप्टर में जो कुछ पढ़ाया है वो आज आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नज़र आएगा। इसका दूसरा नाम होता है एडजस्टमेंट, इसका तीसरा नाम होता है ईयर एंड एडजस्टमेंट, और ये सारी बातें 5 बजे के बाद पता चल रही हैं। और मैंने पहले जो फाइनल अकाउंट सिखाया था वो 5 बजे तक की इन्फॉर्मेशन के लिए सिखाया था। चलूँ ज़रा, है कौन ये? द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ, समझ तो आप गए होंगे, AA, ठीक है, एट 31/12/20 एट द एंड ऑफ हिज मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर का दूसरा नाम फाइनेंशियल ईयर, रिपोर्टिंग ईयर भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट होता है और एक इनकम स्टेटमेंट में 6 आइटम होती हैं, बैलेंस शीट में 4 होती हैं। ओके, सेल्स का नेचर, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स। बात है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। चलो, फर्नीचर एंड फिक्सचर पूरा बोले, बैलेंस शीट में जाएगा नॉन, शाबश। ये कौन है? डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? आखिरी दिन 5 बजे के। तो फिर ये जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन आ चुकी? कैसे आ चुकी? ट्रायल बैलेंस कब बनती है? और 5 बजे तक तो इस साल की डेप्रिसिएशन। तो फिर ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। क्या है? इसी बच्चे बच्ची ने जहाज और जहाजुन बन के जवाब दिया ना, तो रख के आएगी एक इधर आगे, ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो और क्वेश्चन खामोश हो तो कौन सी? अच्छा सुनो, अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ गया, इसका मतलब 5 बजे तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है, जब ही तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा। लॉजिकली चलना है, रट्टा नहीं लगाना, सारा करवाया अल्लाह के फजल से। भाई अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका तो इसका मतलब इस साल की कैलकुलेशन हो चुकी। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, इसमें इस साल की भी डेप्रिसिएशन जमा हो चुकी है, अब यह क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखें जरा, कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा हो? देखें देखें जल्दी देखें, 99% क्वेश्चन में नहीं होगा। कितने में? 99%. इंट्रो के लेवल पे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा बाउंड्री के तो फिर यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी होगा, फिर परेशान नहीं होना, फिर ये क्या हो जाएगा? ये क्लोजिंग। ये क्या है? कैपिटल। अब बताएंगे कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग? ओपनिंग है, क्योंकि क्लोजिंग तो मैं और आप कैलकुलेट करेंगे जब इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और ड्राइंग, शाबाश। तो ये कौन सा है? ये ओपनिंग है, और इसमें हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर भी जो आया हो वो भी ऐड हो चुका हो। बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, ऐसा अगर डेबिट में हुआ, और अगर क्रेडिट में हुआ, वेल डन वेल डन। कौन सी इन्वेंट्री? अब बताओ ये ट्रायल पेरियोडिक से बनी या परपेचुअल से?
ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? पूरा बोलो ही, आप बताओ ये पीरियोडिक या परपेचुअल? पता चल गया तो ट्रायल बैलेंस चेक कर लिया करेंगे कि पीरियोडिक से है या। आगे चलो मेरे बच्चों, ड्राइंग्स, ये इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। तेरे में नीडो को, लैक्टोजीन को, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, पक्का? क्योंकि बैलेंस शीट में तो कौन सी इन्वेंट्री जाती है, लेकिन इसके साथ क्लोजिंग का वर्ड। ओके चलो जी, तो क्या लिखो इन्वेंट्री को? कॉस्ट ऑफ। ड्राइंग कहाँ जाएगी? लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम। परेशान नहीं होना, ऐसा ऐसा पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। प्रोविजन फॉर अलाउंस कब कैलकुलेट होता है? 5 बजे के। तो फिर ये जो अलाउंस होगा ये, वेरी गुड वेरी गुड, ये ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग। टेंशन नहीं लेनी भाई, इंशाल्लाह। sukoon.com। परचेजेस कहाँ जाएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट कहाँ? रेवेन्यू में। अब सुनो, परचेज की नेचर, सेल्स की नेचर, अगर लिखा होता परचेज एंड सेल्स और एक ही जगह लिखा होता डेबिट क्रेडिट, परचेज डेबिट, ये कौन है? इसकी नेचर, इसका दूसरा नाम कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में और रेवेन्यू में से माइनस होगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम कौन सी नेचर, कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ? कॉस्ट ऑफ। तो जो हमारे लिए आसानी पैदा करे अल्लाह, उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे, ठीक है। जो हमारे लिए ये मदद करते हैं, अल्लाह पाक उसकी मदद करे ब्राह रास, दीन में भी और दुनिया में भी। मेरा बच्चा हमेशा खुश और आबाद रहे इंशाल्लाह, दूसरे ए के साथ। आमीन कह दो बच्चियों, कमाल हो गया, आप आमीन कहें। हाँ चलें, आप सुनो भाई, अगर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न एक ही जगह आ गए, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, डिस्काउंट, ये डेबिट में ये क्रेडिट में, तो डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, डेबिट वाला जाके सेल में से माइनस होगा, क्रेडिट वाला जाके। ओके कोई टेंशन तो नहीं, कोई दिल तो नहीं घबरा रहा, कोई हार्ट बीट तो नहीं तेज है? चलो, वेजेस जाकर, तो इसको डिस्काउंट को, ये वाली जो है ये लेस फ्रॉम रेवेन्यू और ये लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम वेजेस, कॉस्ट ऑफ रेंट एक्सपेंस। ए ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है वो पेड होता है, कौन बोला? शाबाश, बाकी जागो। ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है और ट्रायल में जो इनकम होती है, चैप्टर नंबर 4 में सिखाया था। 5 दफा अपने आप को सुनाओ, एक दफा और, बस 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 बस। पेड अंकल, पेड अंकल, पेड अंकल, अब इनका नाम सुनते हैं। रेंट एक्सपेंस कहाँ जाता है? एडवर्टाइजमेंट, कैरिज। अच्छा बीबी, बीबी आप ऐसे ना कहें, कैरिज साइलेंट हो तो कैरिज इनवर्ड होता है और ये जाएगा। अब देखो डेबिट में था, और अगर क्रेडिट में होता, कुछ भी ना होता यार, एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होता यार, भाई जान, भाई की जान, क्या कर रहे हो भाई जान? कैरिज इनवर्ड होगा या होगा डेबिट में ही, और अगर साइलेंट होगा तो इनवर्ड होगा। यहां तक नहीं कोई इशू? और ये सारे कौन है? पेड। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बैंक चार्जेस, लॉन्ग टर्म लोन कहां जाएगी, शॉर्ट टर्म लोन कहां जाएगी, बैड डेट एक्सपेंस,
अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, याद करें पूरे साल जो बैड होता था वो बैलेंस सीडी में जाता था, और बैलेंस सीडी से कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर कैश वाला एक्सपेंस है तो पेड होता है, क्योंकि 5 बजे क्लोज होता है, और अगर नॉन कैश है तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग। याद करो अक्रूवल प्री सॉन्स है चैप्टर नंबर 5। बैड डेट एक्सपेंस का यहां बनता था, सीडी आता था, वो सीडी नीचे अनएडजस्टेड होता था, उधर अलाउंस से कभी ऐड होता था, कभी नेट होता था। ओके चलो सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। डेटर एक कौन सा कहां जाएगा, क्रेडिटर एक कौन सी कहां जाएगी, एडवांस टू सप्लायर चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था। एसेट कौन सा एसेट, करंट एसेट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कौन सी लायबिलिटी, कहां है डेबिट में है तो इसका मतलब करंट एसेट कहां जाएगा। ये क्या है, रेंटल इनकम। ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है। ओके अब इसे यूज करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना हम सीख चुके हैं, तो फिर आज इस पे मैं तड़का लगाने लगा हूं। भाई तड़का लगाने लगा हूं किस चीज का, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स का। ओके अब जो मेरे साथ चलेगा, मेरे 12 क्वेश्चंस करने के बाद इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 12 मैं क्लास में करवाऊंगा, 12 आपको होमवर्क में दूंगा। जो होमवर्क में दूंगा उसका सलूशन मैं इसी तरह रिकॉर्डिंग करूंगा, शाम में आप सॉल्व करके बैठेंगे तो आपको मैसेज आएगा, जाओ भाई पोर्टल पे जाकर यूट्यूब पे जाकर ये लेक्चर सुन लो। अपना सलूशन सामने रखना, सामने वीडियो चल रही होगी टिक करते जाना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने होमवर्क सही किया या गलत किया। बस इतना सा 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही परेशान हो रहे थे। पीरियोडिक है परपेचुअल, एंट्री बोले क्लोजिंग स्टॉक की, इन्वेंट्री डेबिट, वेरी गुड, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, शाबाश। ओके अब ये जो इन्वेंट्री डेबिट की है ये कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में, ये देखो। ओके कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया, क्रेडिट किया, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये आ गया। ओके कॉस्ट ऑफ सेल्स खुद डेबिट होती है, कोई चीज उसमें से लेस हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है, तो एंट्री क्या बनी। एक दफा और बोले, आप मेरे साथ रहना, ये क्या है, ये क्या है, इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, ड्यू, नॉट येट पेड, अक्रूड, ये सारे नाम इसके हैं। ये क्या है, 5 बजे के, क्योंकि पेबल कब पता चलता है, रात रात 10 बजे पता चलता है। अब एक्सपेंस पेबल की एंट्री बोलो, एक्सपेंस का नाम बोलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल। ओके है अभी तक तो नहीं कोई नई चीज आई, कितने के 1500 से। ये क्या है, प्रीपेड कब पता चलता है, 5 बजे के, 5 बजे के बाद ना बोलो, बस 10 बजे बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस। ओके है अच्छा जी, आगे रेंटल इनकम इंक्लूड 3000, रेंटल इनकम इंक्लूड 3000। बताया था रेंटल इनकम इंक्लूड कहे तो इसका मतलब ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में रेंटल इनकम आ रही है कितनी है। एक्टिव हो शरोज, एक्टिव हो बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं, आपका ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है रिसीव, ये क्या है, इसमें शामिल है कितना 3000, इसमें शामिल है
3000 फॉरेन, जो हमें साल के लिए मिला वो साल कब एक्सपायर्ड होगा? याद करें, कितना लिया, कितने टाइम का, कितने टाइम का? एक साल ना बोला करें, 12 महीनों का। कब तक के लिए लिया? मेरा ईयर एंड कब है? मैंने कब तक के लिए लिया? जनवरी का ले लिया, फरवरी का ले लिया, मार्च का ले लिया, अप्रैल का ले लिया? सर्विस नहीं दी, पैसे सर्विस नहीं। इसे क्या कहेंगे? इनकम इन एडवांस की एंट्री बोलो। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। दोबारा अपने आप को सुनाओ। ये एंट्री आ गई। अब आओ 31/12 को खड़े होकर देखेंगे कितने पैसे दिए, कितने दिए, कितने टाइम के, ईयर एंड से आगे कितने महीने हैं। ये 4 महीनों के पैसे ले लिए, सर्विस, इनकम इन, एंट्री बोलो। रेंटल इनकम कितने से? अब मुझे बताओ, अगर फाइनल अकाउंट मेरे साथ अच्छे तरीके से कर लिया तो इंशाल्लाह वो चैप्टर भी पिछले सारे रिवाइज हो जाएंगे। अब दो तरीके हैं क्लास लेने के। एक तरीका मैं कॉपी पे फोकस करूं, एक तरीका मैं सर के बातों का सारा जवाब दूं। सर मुझसे क्विज कर रहे हैं, मैं जवाब दिए जाऊंगा। क्लास के एंड में मुझे खुद अंदाजा होगा सर ने इतने सवाल पूछे थे, मैंने इतने जवाब दिए, ये वाले जवाब मेरे गलत हुए, मैंने घर जाके इन्हें रिवाइज करना। ओके, आगे चलो। कैरिज इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड कितना? कैरिज आउटवर्ड टोटल 3500। कैरिज इनवर्ड कितना आएगा? ये कहाँ जाएगा? कैरिज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? कोई मसला? पक्का? आगे सुने। इट वाज टू राइट ऑफ का मतलब अभी लिखना, कब लिखूंगा? 10 बजे। कितना लिखूंगा? एंट्री बोलो। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेट कितने से? ये एडजस्टेड में जाएगा या नॉर्मल में? एडजस्टेड में, क्योंकि कब हो रहा है? 10 बजे, 5 बजे के। सिखा चुका? आओ जी। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू कैलकुलेट प्रोविजन एट ऑफ ईयर एंड कितने लेजर? 2 नए बनाऊंगा, एडजस्टेड डेटर और एडजस्टेड। यहां बनाता था एडजस्टेड बैड डेट, यहां बनाता था एडजस्टेड। यहां के सीडी को यहां लाता था, यहां वाला सीडी ट्रायल बैलेंस में जाता है, यहां वाला सीडी यहां लाया करता था, ये वाला सीडी ट्रायल बैलेंस में होता है, क्योंकि सीडी 5 बजे आता है, ट्रायल बैलेंस 5 बजे बनती है। 10 बजे कहां बनती है बाजी? ट्रायल बैलेंस 5 बजे बनती है। एडजस्टेड डेटर 5 बजे के बाद बनेगा, एडजस्टेड बैड डेट 5 बजे के, अलाउंस का अकाउंट रात। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, अभी आता हूं बाद में वापिस। अहमद मियां डेप्रिशिएट करते हैं उस फर्नीचर को जिस फर्नीचर पे इनका फंक्शन होना है बैठकर, किस रेट पर? मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। उस साथ की एक बात भूल गया तो याद कर, फोन पे मैंने तुझे कहा था एक स्ट्रेट लाइन से डाल दी और एक WDV से। जी भाई, किस पे करना है? कॉस्ट पे। भाई कॉस्ट पे क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है? और स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू
तो कॉस उठाएंगे उस पर कितने परसेंट लगाएंगे? अब बताएं ड्यूरिंग द ईयर बाय किया या पुराना आ रहा है? पुराना आ रहा है, कहीं नहीं लिखा कब बाय किया। तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? पूरे पूरे साल की। और पूरे साल नहीं बोलना, क्या बोलना है? 12 महीने। अगर यहाँ लिख देता कि ये 61 महीने साल के दौरान कुछ बाय किया, तो फिर डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग अलहदा, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन वो भी लेकर आऊँगा। आज ज़रा पहले पिछली चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो अब सुनना, ये और ये तुम्हें आता भी है और पेपर वाले दिन स्क्रीन पर मौजूद भी होगा। टाइम बचाने के लिए कल से क्या किया करोगे? फोटोकॉपी ले आया करोगे। मैं 2 क्वेश्चन करवाया करूँगा, 1 होमवर्क में दिया करूँगा। इस तरीके से 3 दफ़ा जब रोज़ करोगे तो तकरीबन 10 दिनों में ये चीज़ें आपके इंशाल्लाह ऐसी होंगी अल्लाह ने चाहा तो। तो 20 नंबर के क्वेश्चन से बेटा परेशान नहीं होना। क्या चाहिए मेरे बच्चों मुझे? रेवन्यू में क्या करूँ? बस कितनी देर में दोगे मुझे? 1 मिनट में दे दो ना, जरा बैठे हुए आराम से। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी, तेज काम करें। समझे, क्लास में टेस्ट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन बच्चे? छोटू ये सर, कोई कंफ्यूजन नहीं आपसे? 7 वाले जी, वर्किंग करनी होगी और एक पेज मिलेगा आपको, उस पर वर्किंग करेंगी सारी। ये फिगर्स वहां पर प्लग इन करनी होगी, ये दोनों। हाँ। अच्छा, अब आपके जहन में क्या आएगा? यार अंसारी, हम कंप्यूटर पे जाएंगे, हम कैसे चीजों को करेंगे? ये हम आपको सिखाएंगे, आपके आरटीएस पे टेस्ट लेंगे, वहां जाकर आपको पता होगा कि फॉर्मेट किस शक्ल में आपकी स्क्रीन पर आएगा। पूरा मॉडल पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगा, आपको अंदाजा होगा कैसे लेकर चलना है। ठीक है, इनके टेस्ट फाइनल अकाउंट के ना आरटीएस पे डाल दें। ठीक है भाई, आओ भाई, सेल्स बोले। एक बच्चा या एक बच्ची, यूं तो खिचड़ी पक जाएगी। कोई एक बच्चा बच्ची गए सर मैं बोलूंगी करारी आवाज है मेरी, मैं गंडेरी भी बेच सकती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं, ये बच्ची तो इस तरह की नहीं है। कोई अपने जैसी कोई बच्ची हो, कोई देसी बच्ची, कोई लाहौरी बच्ची, वो आप में लगी रहेगी, ट्रेन निकल जाएगी। कोई देसी बच्ची नहीं है, सारी वलैती बच्चियाँ। कोई देसी बच्चा? आप भी देसी हैं, चले फिर बताए, ये भी देसी है। बोले जी सेल्स 1,86,000 सेल्स रिटर्न बताएं प्लीज। उसे बोलने दे बच्ची को 7,000 जी, डिस्काउंट अलाउड 500 नेट करो बच्चे। 1,78,000 फाइनल अकाउंट में से। ये बच्ची बोलेगी, गलत बोलेगी तो फिर हम इसको करेक्ट करेंगे और फिर हम आपसे नहीं करेंगे। 1,78,500 अब कहाँ जाना है? आई जी ओपनिंग स्टॉक जी जी, देखना पड़ेगा ना, इसलिए तो उस्ताद के साथ चलने के लिए अहमद जैसा होना पड़ेगा। 20,000 परचेजेस, परचेज रिटर्न 5,000, डिस्काउंट रिसीव, एड वेजेस 3,000। अच्छा सुनो, तुम लोग कॉपी ना करो, सब मिलकर मेरे साथ सॉल्व करो, बाद में तस्वीर लेके घर जाके लिख लेना, अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, कैरिज इनवर्ट ढूंढो, 1,500 ट्रायल में से लिया या यहाँ से लिया? कहाँ था ये 1,500? आगे चलें, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 कहाँ से आया? ये एंट्री क्या है? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अपनी नेचर डेबिट होती है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब ऐड नहीं करूँगा, क्या करूँगा? लेस करूँगा। आंसर बताएं जी, 8,250। हर बच्चा कैलकुलेटर चला रहा हो ना भाईजान, अगर आप उस तरह बैठ जाएंगे तो कमाल हो गया यार, वलीमे पे आए हुए अहमद भाई के, कमाल हो गया आपका, और खुद काम कर रहा है। जल्दी करें, जल्दी बच्ची, जल्दी करो शाबाश, हर बच्ची कैलकुलेट कर रही हो।
इन्वेंट्री डेबिट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अपनी नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, इसलिए क्या करूँगा? लेस करूँगा। ठीक है भाई, ले आऊँ भाई? कितना है? 82,000। अब सुनो भाई, आईकैप का सॉफ्टवेयर ब्रैकेट नहीं मानता, वो क्या कहता है? अगर वहाँ बैठ के ब्रैकेट लगा रहे होगे तो सॉफ्टवेयर आगे नहीं जाएगा। क्या लगाना है? और प्लस के साथ कुछ नहीं लिखना। नेट करें 96,000। लेस क्या करना है? इधर देखो, याद है कितनी चीजें आएंगी? एक ढूंढ के लाओ, सेलिंग कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल, टोटल कितना हुआ? यहाँ लिख दो। क्या करूँ? माइनस। कोई बच्चा कॉपी ना कर रहा हूँ, उस्ताद की नसीहत पे चलो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह गो थ्रू करोगे इंशाल्लाह, कोई बच्चा नहीं फेल होगा अल्लाह ने चाह तो इंशाल्लाह। लेकिन मानो मेरी, अपने तरीके से नहीं चलना। आगे चलो, इसके बाद कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन। तेरा कैलकुलेटर करे, ये लेके जाएगा पेपर में? ओ यार नींद में धा तू कुलचे तू पाँच। अच्छा नींद में ये हालत होती है, वो नींद में जो है वो समद बॉन्ड से लिख रहा होता है, ये नींद में ये लेकर आ रहा होता है। इसमें क्या मैक्रोनी खाई थी? चलो, डिस्ट्रीब्यूशन में कैरिज आउटवर्ड कितना है? कैरिज आउटवर्ड 2,000। डिलीवरी चार्जेस 9। पैकिंग कॉस्ट टोटल करें, यहाँ कितना लिखो? 2,000। अब अगली बात सुनो। हेलो, कुछ बच्चों की राइटिंग छोटी होती है, कुछ की राइटिंग, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटी राइटिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वर्किंग पेपर एक मिलेगा, वर्किंग पेपर। कुछ बच्चियों की आदत होती है, बच्चियों नाराज ना होना, वर्किंग पेपर मिलेगा इतनी बड़ी हेडिंग बनाएंगी, वर्किंग। तो भाई पेपर ख़त्म हो गया तो आईकैप वाले दोबारा दूसरा पेपर नहीं देते, उनका रूल है कि बच्चे को स्मार्ट राइटिंग आनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना। लेड पेंसिल भाई पेपर कैंसिल कर देते हैं, लेड पेंसिल नहीं लेके जानी, ठीक है? वर्किंग जो करनी है वो आपने नॉर्मल पेंसिल से करनी है। एडवर्टाइजमेंट पे आओ, एडमिन, जो कहीं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस में ना आए वो कहाँ आएगा? एडमिन में आएगा। आओ जी बच्चों, कमेंट्री नहीं ना बेटा, प्लीज़ सब पढ़ाया नहीं जाएगा। चलते 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 चलो 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 आ गया। ट्रायल में जो फिगर होती है वो पेड होती है, ट्रायल में जो फिगर होती है। मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। रेंट याद करो, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अगर यहां कोई बीडी हो ओपनिंग प्रीपेड, यहां बीडी हो ओपनिंग पेबल, यहां सीडी हो क्लोजिंग प्रीपेड, यहां सीडी हो क्लोजिंग पेबल, याद है? पेड की एंट्री बोले, PNL की एंट्री, BD की कोई एंट्री होती है? अल्लाह के बंदो क्या बात करते हो यार। ये देखो क्लोजिंग की एंट्री बोलो, सुबह कोई सेंट्री को क्या एंट्री पास करते हैं? और प्रीपेड क्लोजिंग पेबल की एंट्री बोलो, सुबह कोई सेंट्री को पेबल डेबिट एक्सपेंस। ऐसे तोते की तरह याद होना चाहिए, यही पूरा CA है भाई, यही पूरा CA है, इंट्रो सारे का सारा CA है। जाके सुबह आया करो, FR1 में देखा करो रिलैक्स बैठे हुए हैं, FR2 उससे भी रिलैक्स बैठा हुआ है। वो 100 घंटे ये ढूंढते रहेंगे 100 लेक्चर में, यार मुश्किल चीज़ कब आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि सारी मुश्किल कहाँ पड़ जाती है? इंट्रो में पड़ जाती है। इसलिए यहाँ इस प्रोफेशन का ड्रॉपेज रेशो सारे प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा है। उसकी रीज़न, बच्चा यहाँ आता है, ये बंदा बोलता रहता है,
कोई और टीचर भी बोलता रहता होगा, लेकिन बच्चा तो सात वाला जो हॉस्टल में 6 दफ़ा फेल हो चुका है उस पर एतबार करता है, वो उसे क्या कहता है, मेरे से नहीं हुआ तो तेरे से कहाँ होगा। आप कहते हो वाकई यार, अगर इस डॉन से नहीं हुआ तो मैं तो मकड़ी का जाला हूँ, मेरे से कैसे होगा। इधर जो खड़ा होता है उस पर यकीन नहीं करते। तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मेहनत का जूस जो है वो इंट्रो है, इसके बाद आगे मुश्किल नहीं आनी सीरियस बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और ये तुम पढ़ने वाले हो, रोज़े की हालत में आके बैठे हो, 6-6 घंटे क्लासेस ले रहे हो, कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे फेल होने की, लेकिन तुम बस इंट्रो में डर जाते हो, उस डर से भाग जाते हो। प्लीज़ ना भागना। CA का भागा हुआ कहीं उसे पना नहीं मिलती। क्यों? जब CA में इंफॉर्मेशन लेने आते हो तो क्या कहते हैं, 5 लाख सैलरी, 8 लाख सैलरी, 12 लाख सैलरी। तुम्हारे ख्वाब कहाँ के बन चुके, 12 लाख के। जब भाग के कहीं जाते हो तो वहाँ मिलते हैं हज़ारों, उसमें तो 10 दिन भी पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ CA का भागा हुआ पानी नहीं मांगता। ख्वाब हैं उसके लाखों के और कमाई है उसकी हज़ारों की, अब वो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा वो। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्रीपेड की एंट्री क्लोजिंग की सब बच्चे बोल रहे हो, ओपनिंग की क्लोजिंग पेबल, ओपनिंग पेबल ये नहीं है, नहीं है। आओ जी, क्या कह रहा है, प्रीपेड है। एंट्री बोलो, अमाउंट 2000। ट्रायल में जो फिगर होती है, जाओ ट्रायल में रेंट लेकर आओ, वो ये है। इसे अनएडजस्टेड भी कह सकते हैं। इसमें से कितना प्रीपेड पे चला गया, अब बताओ कितना लिखो, ये कहाँ जाएगा, PNL में जाके GP में से, और रेंट की जगह एडमिन एक्सपेंस है। जैसा क्वेश्चन करूँगा होमवर्क में तकरीबन वैसे ही दिया करूँगा, ठीक है। अब आ जाओ एडमिन का, ये अब बताओ पेड लिखो या इंकर्ड, कितना, 10,000। ओके हो गया, प्लीज यार इंसान मन, ये क्या है? साल के क्या है, पेबल, पेबल की एंट्री बोलो, कितने से, 1500 से, एंट्री बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बोलो, पेबल की एंट्री, और ओपनिंग में इसे रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जाओ, यहां लिख दो 6,000, पक्का, शाबाश। क्या है, किसने कहा प्रीपेड, कौन कह रहा है प्रीपेड, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, तो ये तो गलत है ना यार, 150 बच्चे को तूने कंफ्यूज किया। ये क्या है, पेबल, पेबल की एंट्री बोलो, यहां लिखो सर्विस, पैसे कितने, ओके हो गया, दोनों को जमा करो, इधर 0 है, यहां क्या लिखो, ये क्या है, इनकर्ड, इनकर्ड कहां जाता है, PNL में, यहां कितना लिखो, 8,000, ओके, अभी देखते नहीं कोई कंफ्यूजन। ट्रायल में जो डेटर होंगे अनएडजस्टेड, और बैड डेट एक्सपेंस भी अनएडजस्टेड, ठीक है। अगर 5 बजे के बाद डेटर में कोई तब्दीली आई, एडजस्टेड डेटर, बैड डेट में कोई तब्दीली आई, एडजस्टेड बैड डेट, कोई तब्दीली ना आई तो जो अनएडजस्टेड होगा वो ही। आओ जी, ये क्या है, कहां से शुरू करूं, ये फिगर कहां से आएगी, लेकर आओ 90,000, ओके। अब आओ जी पढ़ो, 10,000 डिसीजन लिया 5 बजे के बाद बैड डेट लिखने का, एंट्री बोलो, कितने से, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैड डेट डेबिट डेटर, कितने से, यहां क्या आएगा, अनएडजस्टेड, कहां से मिलेगा, ढूंढो 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 ढूंढो,
1500। ओके हो गया, क्लोज करो, बातें नहीं हो, क्लोज करो। 80,000 क्लोज करो, नहीं। अब क्या जाएंगे? अलाउंस पे। ट्रायल में जो अलाउंस होगा वो ओपनिंग होगा, और रात 10 बजे अलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में कोई गुड है, कोई स्पेसिफिक डाउटफुल है, सारे के सारे? जब सारे के सारे जनरल हों तो वो वर्किंग करूं या डायरेक्ट जाऊं? ये एडजस्टेड सीडी उठा लो, कितने का? इसे कहां ले जाऊं? यहां। इसका कितने परसेंट? कितना आया? ये अलाउंस का, ये अलाउंस का, इसका बीडी कहां मिला करेगा? कहां गया, कहां गया? ये आ गया कितना? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट नेचर आइटम है, ये बैलेंस शीट आइटम है। अगर इसका ओपनिंग होगा क्रेडिट होगा, क्लोजिंग होगा, ये देखो क्रेडिट ओपनिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। बीडी लिखवाओ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज? अलाउंस इंक्रीज हो तो एंट्री क्या होती है? अलाउंस इंक्रीज हो तो यहां से देख लिया करो। ये देखो यहां 5000 आया, तो बैड डेट और अलाउंस एक एंट्री कितने लेजर में? बैड डेट क्या हो रहा, अलाउंस क्या हो रहा? बैड डेट को आके क्या कर दूं, कितने से कर दूं? 5000 से। कितने से? ये दो क्या है? माजी का गम। ये क्या है? फ्यूचर का गम। छोटा गम, छोटा गम, बड़ा गम। कितना? 16,000। अब ये नया नहीं है, ये चैप्टर नंबर 5 है, और ये सारा चैप्टर नंबर 4 है। अब इस पे प्रैक्टिस करनी, अपनी अपनी दौड़ है। कौन कितनी प्रैक्टिस करके सर के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है? सर बोले और आप जवाब दे रहे हो। मैं बोलूंगा उसी अंदाज में जिस अंदाज में टॉपिक करवाया था, ताकि दो डिफरेंट अंदाज सामने ना आए। ये वो रीजन होती है जो मैं कहता हूं कि जिससे इंट्रो पढ़ो कोशिश करो उसी से एफआर और उसी से सीए फाइनल पढ़ो। उसकी रीजन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने दोस्त के साथ होती है, जो बचपन से तुम्हारे साथ गोलियां करवा रहा है। पेरेंट्स को उसे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर सामने अब्बा जी आ जाए तो तूने क्या कहना है कि कल हम कहाँ थे। वो माशाल्लाह पहले ही कहेगा सर तरावियों की तैयारी कर रहे थे, और इतकाब में जो लोग बैठ रहे हैं ना उनके लिए शामी तो बना रहे थे, और मस्जिद में वो जो पर्दे लगाती है साहब, वो मैं ही तो खड़ा हुआ था सीढ़ी के ऊपर, आपने देखा नहीं ऊपर करके। ठीक है, इसलिए गाइडेंस देता हूँ। आओ मेरे बच्चों, बैड डेट कहाँ जाएगा? एडमिन एक्सपेंस में। कहाँ? आओ कितना लूँ? कौन रह गया? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। मेथड कौन सा? रेट कितना है? 10%। आओ जी, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इंटो डेप्रिसिएशन रेट। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में? कॉस्ट बताओ, ट्रायल में मिलेगी? पीडीएफ नहीं आपके पास बेटा? आप मुराकबे में हैं या? मोबाइल खोले मेरा बेटा, अच्छे मोबाइल खोलो, शाबाश। कोई बच्ची जो है प्लीज मुराकबे में ना जाए, आपकी मेहरबानी। हाँ मुराकबे में नहीं जाना बच्चियों ने, ये तो वैसे ही जहाज है। ओ किधर है तेरा मोबाइल, किधर है? हाँ कैलकुलेटर घर है। हाँ आओ भाई, कितनी है कॉस्ट? रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं? 12 महीने की 10%, कितना बना? एंट्री बोले, यहाँ कितना लिखो? 10,000 जमा कर दे,
44 500 ये क्या है? यहाँ ले आओ, कितना? 45,000 500 40,000 44,000 ये तीन माइनस कर दो, इसमें से ये तीन माइनस करो, 45,000 ये क्या है? कहाँ आ रही है? अच्छा, अगर मैं एक्टिव ना हूं तो यकीन करो तुम में से तो आधे वैसी क्लास में सो जाए। दो मिनट के लिए मैं हल्का हुआ, 28,000 इनकम तू ही लिख ले यार, खुदा की कसमें जितना मर्जी मैं एनर्जेटिक होके पढ़ा दूं, दो मिनट में वही जहाजों वाली हरकतें करते हो। ये क्या है? रेंटल इनकम। ट्रायल में जो इनकम होती है और जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी वो आंड जाएगी, ये आया है, यहां कमाया जाएगा। जो बकाया होगा बैलेंस शीट में एसेट जाएगा, जो इजाफी आएगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी जाएगा। बोलो सारा। बस बस, जो आया है वो ट्रायल बैलेंस में है, जो कमाया है वो इनकम स्टेटमेंट में है, जो बकाया है वो रिसीवेबल में है, जो इजाफी है वो पक्का। अब क्या बनाऊं? इनकम अकाउंट कहाँ है? ये है। आई की एंट्री बोलो कितना है? 6,000 है। ओके, अब आओ जी, कहाँ है इनका? इनकम की कहानी कहाँ थी? ये कितना लिया, कितने महीनों का, कब तक के लिए लिया? आओ जी, ये था एंट्री पास कर दी थी। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस, इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस, यहां लिख दूं कितना? 1,000। आया कितना? इजाफी कितना? तो कमाया कितना? माशाल्लाह, कमाया 7,000। यार 27वीं को ना इन बच्चियों को मिठाई नहीं देनी मस्जिदों में, ये जाएंगी, ठीक है भाई? सिर्फ हमें मिलेगी इंशाल्लाह 27वीं को मिठाई। अब सुनो, ये क्या है? आया। ये क्या है? इजाफी। ये क्या है? और अगर यहां होता तो रिसीवेबल होता, वो बकाया होता। जो बकाया होगा वो बैलेंस शीट में करंट एसेट, जो इजाफी है वो बैलेंस शीट में, जो आया है ये कैश बुक में, जो कमाया है ये इनकम, और जाकर जीपी में। ये माइनस कौन कह रही है यार? जो कमाया है वो बैलेंस जीपी में। मेरे बच्चों बोलो जी, कमाया 5,000। बस बस बस, प्लीज 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 प्लीज। अब कौन है? फाइनेंस कॉस्ट कहाँ गया? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अभी मैंने सादा क्वेश्चन रखा है। मार्कअप एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस है। बैंक कमीशन टोटल क्या करूं? नेट प्रॉफिट बोलो 10,000 था ये? जी बच्चों 40,000। अब सुनो, तुम्हें ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये फिल करना है, इसकी जगह छोटी भी होगी। पहले भी मैंने ये एरो लगाए हुए थे जब आपको सॉल्व करवाया था, और एक ये फिल करना है। फॉर द ईयर होता है ये स्टेटमेंट, फॉर द ईयर होता है ना? पूरा पूरा भी आ जाता है। चलो भाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो ये फिल करोगे। और भी बताएंगे आपको कोई एक आधी चीज़ और भी। अब आए
बैलेंस शीट में जी जी जी, और वो पेज आपने घर ले आना है, कोई इशू नहीं, वहीं पे रख ले भाई। पेपर रखते हैं या दे देते हैं? अपने पास रख लेते हैं, उन्हें दे आइएगा, उस पर कह दीजिएगा प्लीज़ आपकी मेहरबानी, मैं ज़रा मासूम सी बच्ची हूँ, मुझे पास कर देना, ठीक है? और तू कह दी यार मैं ज़रा हैं, और तू कह दी यार खालू मान जाएंगे, ठीक है? चलो भाई आओ जी बेटा। नहीं, मेरे ख्याल सिर्फ फाइनल अकाउंट के लिए देते हैं, पूरे पूरे पेपर के लिए देते हैं, लेकिन ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी फिगर्स लिखेंगे तो पूरा पेपर एक पेज पे वर्किंग पे आएगा। ना 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 भी ना ना, कच्ची पेंसिल नहीं यूज़ करनी, बाकी जो मर्जी करें, एक पेज पे आपने पूरे 100 नंबर की वर्किंग करनी है। नहीं, एक पे आएगा बेटा, होगा ठीक है जी, फ्रंट बैक दोनों होगा बेटा, ठीक है? बहुत ही बड़ी, आओ भाई आओ भाई, हेलो, एक दफ़ा दुरुशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी ये वाली वसलीम तस्लीमा। रोज़े की हालत में बहुत नहीं हंसना चाहिए, मैं सिर्फ आपको इतना हंसाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास बोरिंग ना हो, ठीक है? चलो आओ, आप क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ये क्या है? एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट का नाम कितना? एक लाख। इसमें से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी माइनस करना है। अब आ जाए भाई, ट्रायल में जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो बीडी है, लिखवाएं 10,000। एक्युमुलेट, यार क्या कर रहे हैं यार, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोबारा से क्रेडिट हुई कितनी? 10,000। यहां लिख दो, टोटल करें। ये क्या है? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी। ये किसका सीडी था? एसेट की कॉस्ट का। इसमें से किसका सीडी माइनस करेंगे? कितना? 20,000। बाकी बचा 80,000। 80,000 क्या है? नॉन करंट एसेट। करंट नहीं बेटा, क्या? आप क्या लिखने हैं? ये क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग कितनी है? 6,000। कितनी है? अब सुनो, ये क्या है? यानी जितने रिसीवेबल हैं वो इसमें आएंगे, अगर कोई एडवांस हुआ वो अलग आएगा, प्री पेमेंट हुई। अब आप कहोगे और क्या रिसीवेबल हो सकता है? कोई भी रिसीवेबल हो, अभी आपका लेवल नहीं है कि मैं वो बताऊं आपको, इसलिए अगर कोई लिखा हो ना अदर रिसीवेबल, तो वो भी डेटर में क्या कर दीजिएगा, और वो ट्रायल बैलेंस में अदर रिसीवेबल के नाम से आ रहा होगा। अभी है कहाँ है? यस सर, ना ना बीबी, अदर रिसीवेबल पूछ रहा हूँ, छोटी बाजी मेहरबानी आपकी जी भाई। ये क्या है? डेटर है। अदर रिसीवेबल, बड़े भाई इसे तो कह भी नहीं सकता छोटा भाई, लोगों ने कहना अंसारी को रोजा लग रहा है। चलो, डेटर कितने हैं? 90,000 भाई। ये है एडजस्टेड सीडी लेना होता है, याद करें टॉपिक चैप्टर नंबर 5, कौन सा सीडी लेना है बैलेंस शीट में, और अलाउंस के सीडी को उसमें से। अब बताओ डेटर कितने हैं? 80,000। ये यहाँ ना किया कर जी, कितने हैं? 80,000। अलाउंस का सीडी, अब किसी पेपर में ना प्रोविजन नहीं लिखना, अलाउंस लिखना, आई कैब अपने बुक में अलाउंस यूज करते हैं जी। 8,000 माइनस करें 72,000। प्री पेमेंट है कोई? यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो प्री पेमेंट? यहाँ होगी प्री पेमेंट, तो यहाँ होगी, ये आ गया 2,000। और ढूंढो कोई प्री पेमेंट हो, वो इधर आएगा बेटा, ये है एडवांसेस। कोई और प्री पेड एक्सपेंस ढूंढो, ढूंढ लो अल्लाह के बंदो, अम्मा छुपा के रखती है चीज़ें, वो सारी ढूंढ लेती हो माशाल्लाह। बोलो कितना है? 2,000। एडवांसेस कहाँ मिलेंगे बच्चियों? बातें नहीं, किस साइड पे? डेबिट पे, क्रेडिट पे? क्यों डेबिट पे? एसेट है। कितना है? 7,000। अब क्या करना है? 3 कैश यहां जमा करके लिखने हैं, पेटी कैश,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ढूंढो, बैंक है, बस कैश नहीं है, पेटी कैश भी नहीं है, लिखो कितना है, 6,000। इस डब्बे को सॉल्व करो सिर्फ करंट एसेट के, 80 और 93, 1,00,000, ये आ गया इक्विटी एंड, तू हाथ खोल जरा तेरा कैलकुलेटर का, कजन से काम लेता रहता है, उन्हें यहाँ पे मेरे नाम की पर्ची दिलवाई जाता है। चलो आओ जी, ओपनिंग कैपिटल बताओ कहाँ से मिला बच्ची, 25,000। इसमें क्या जमा करूँ, फहद फहद हैं आप, और क्या जमा करूँ कहाँ से आएगा, 40,500। क्या लेस करना है, ढूंढो ड्राइंग, 5,000 करो नेट, 60,000। अब क्या लाना है, लाइब्रेरी ढूंढो, ये लॉन्ग टर्म लोन कितना, अगर लोन लिखा हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो लोन लॉन्ग टर्म कितना, 45,000। आगे चलो, ट्रेड एंड ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर, अदर पेबल कोई हो तो उसमें पुट कर देना, लेकिन इंटरेस्ट पेबल वगैरह इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी जो एक्सपेंस पेबल हैं वो इसमें आएंगे, बाकी एक्सपेंस पेबल इसमें आएंगे। अब सुने भाई, क्रेडिटर कितने हैं, 60,000। इनकम इन एडवांस कितनी है, ये 1,000, बैलेंस सीडी लेना 1,000। परेशान ना होना, 2-3 क्वेश्चन हाथ से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह लर्निंग का आ जाएगा, फिर चीज़ें रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल ढूंढे, ये 1,500 जमा करें, 62,000, ये ट्रेड एंड अदर पेबल है, क्या है, ट्रेड एंड, इसके बाद क्या है, लाइन ढूंढ के, 5,000। इंटरेस्ट पेबल है, नहीं, कल वाले क्वेश्चन में लाऊंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, नहीं, छोड़ दीजिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। टोटल करें 6,700। अब सुनो सुनो, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, एसेट में दो ही चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटी में तीन होती हैं, एक क्लोजिंग कैपिटल, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी। कैलकुलेटर पकड़ो, 1, 2, 3 जमा करो, 1,00,000, बैलेंस शीट मैच हो गई, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी, अब इस क्वेश्चन की बेस पर हम क्या करेंगे, इसको मुश्किल करते जाएंगे, इसको क्या करते जाएंगे, ग्रेजुअली, एकदम नहीं, ग्रेजुअली, ताकि 10 दिन के बाद हम मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट भी करने वाले हो। ये जब होगा, जब इसकी अभी तस्वीर लोगे और घर जाके पहले खुद सॉल्व करोगे, फिर तस्वीर से मैच करोगे, जहां गलती होगी उस एरिया को हाईलाइट करोगे, फिर उसके साथ उस चैप्टर का रेफरेंस लिखोगे। मसलन किसी को यहां प्रॉब्लम आई तो इसका चैप्टर नंबर 5 वीक है, यहां आई 6 वीक है, यहां आई 4 वीक है, और अगर यहां आई तो 7 वीक है। मैं सीरियस हूं बेटा, यहां आई तो 7 वीक है, समझ गए। तो हर बंदा अंदाजा लगा सकता है कौन सा मेरा स्ट्रांग एरिया है, कौन सा मेरा वीक एरिया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन, ठीक है। चलो तस्वीर लो, ऑनलाइन वालों आप पॉज करके जो है रिकॉर्ड कर लो। इधर ले आए भाई क्वेश्चन, सुनो भाई क्वेश्चन है स्टूडेंट का, ये बीडी है, असल में या इसे बीडी कहते हो या ये कहते हो, जो ड्यूरिंग द ईयर भी आया है वो भी इसमें
शामिल हैं। एक तरह से ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग होता है। क्या होता है? क्योंकि इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड और करंट ईयर की ड्राइंग भी माइनस, तो इसे आमतौर पे इंट्रो के लेवल पे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। इंट्रो में जो फॉर्मेट आएगा ना, तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा? ओपनिंग कैपिटल, या आप ये कह सकते हैं अनएडजस्टेड कैपिटल। ठीक है सैफू जी? मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मेरे भाई कल जब, और बाजी आपने आने से पहले क्या लेके आनी है? फोटोकॉपी। अब हम इसको पॉज करने लगे हैं, आप इधर ही रखें, मैं दूसरा क्वेश्चन ओपन कर लूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। आए भाई, देखें भाई, गो थ्रू करें, ट्रायल बैलेंस गो थ्रू करें, एडजस्टमेंट देखें ध्यान से। उधर ना लीजिए, सबसे पहले ट्रायल गो थ्रू करते हैं। आप सुनो, ट्रिकी पॉइंट छोटे छोटे। प्लांट डेबिट में आ रहा है तो ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी cost, और जो क्रेडिट में फिगर आ रही है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या? तो फिर किसी नॉन करेंट एसेट की क्रेडिट में कोई चीज आ जाए तो वो क्या होगी? उसकी, लिख लो ना एग्जाम फोकस पॉइंट, नॉन करेंट एसेट के क्रेडिट में कुछ आ जाए। मैंने मना किया है, पिन ड्रॉप साइलेंस, बुरी बात, उस्ताद की दुआएं लेते हैं। सिर्फ मैं आपको तरगीब के लिए बता रहा हूँ, जो उस्ताद के लिए आसानी पैदा करता है ना, तो सबसे क्रिटिकल वक्त में इंसान वो उस शख्स को याद करता है जो उसके सबसे ज़्यादा काम आया। वो ये हमेशा याद रखना। पता है इंसान अपना आखिरी लुकमा किसे देता है? जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आखिरी लुकमा, आखिरी बाइट, आखिरी बाइट के साथ ये अटैचमेंट होती है। और जिस वक्त उसे लग रहा हो कि यार इस वक्त मेरा अल्लाह से ताल्लुक बना हुआ है, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरी दुआ कहीं इंशाल्लाह कबूल होगी, उस वक्त वो उस इंसान के लिए दुआ मांगता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो हमेशा बड़ों की दुआएं लो। बड़े ने कह दिया चुप, तो अब समझ आए ना आए, हम चुप बैठे हुए हैं क्यों? फिर इसकी दुआ से इंशाल्लाह आप बनोगे। और दो की दुआएं तुम्हारे लिए कीमती हैं, एक तुम्हारे वालिद साहब और एक तुम्हारा उस्ताद। ठीक है, अल्लाह सबको कामयाब करे। इसलिए ध्यान से सुने, ये क्या किया? ओ नीडो, ओ नीडो, ओ तेरा लैक्टोजीन इंसान बन। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या किया इसने? आप सुना भाई, ये क्या है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये व्हीकल की cost. और ये उसकी डेप्रिसिएशन। कौन सी इन्वेंट्री है? ओपनिंग है। नीचे क्या नजर आ रहा है? परचेज। क्या नजर आ रहा है? परचेज। अब मुझे बताएं, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, परचेज भी है, पीरियोडिक है, परपेचुअल है? जी शाबाश, ये कैपिटल है, इसे ओपनिंग भी कह सकते हैं, अनएडजस्टेड क्लोजिंग भी। ये क्या है? पेड है। ये डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है। डेबिट वाली अनएडजस्टेड क्लोजिंग, अनएडजस्टेड। ये क्या है? पेड। ये क्या है? ये क्या है? और ये इसका, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये लोन पूरे, तो फिर इंटरेस्ट भी पूरे। ये क्या है? रिसीव। बोला करें, जवाब दिया करें। ये क्या है? और ये क्या है? पेड। इंटरेस्ट एक्सपेंस ना कहिए तो मुझे भी नजर आ रहा है, लॉजिक बताएं। ये क्या है? एसेट लाइबिलिटी। और ये शाबाश, ये क्या है? दोबारा बोलो, ये क्या है? और ये क्या है? रिटर्न इनवर्ड। और ये रिटर्न, ये क्या है? डेबिट में है तो, क्रेडिट में है तो, ये कहाँ से लेस होगी? ये रेवेन्यू से लेस होगी, अलाउड है। ये रिसीव्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होगी। ये क्या है? फ्री सैंपल। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। ओके, ट्रायल पढ़ने ही आ गई, पढ़ लो के पेपर वाले दिन।
अब इसका डर ख़त्म करना है। इसका डर कैसे ख़त्म होगा? बार बार करने से, बार बार करने से, इतना करने से कि एग्ज़ामिनर कहे यार मैं इसे कहाँ से पूछूँ, इसे तो सब आता है अल्लाह के फजल से। ठीक है, शुरू करूँ? ट्रायल बैलेंस किस डेट की है? शाम। ये सब कब है? 5 बजे के, 5 बजे के बाद। अहमद भाई को फोकस नहीं करना, अपने इधर फोकस रखना। पीरियोडिक है, परपेचुअल है? पीरियोडिक है। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है? क्या हो नो? और परपेचुअल में 1,50,000 है? क्या एंट्री पास करो? अब आपने मेरे साथ ये एडजस्टमेंट प्रैक्टिकली हाथ से सॉल्व करनी है। हम इसकी तस्वीर नहीं लेंगे, सॉरी सॉल्यूशन कॉपी नहीं करेंगे, तस्वीर लेंगे, लेकिन वर्किंग हम हाथ से करेंगे। 2 पेजेस की जगह छोड़ दो, कॉपी घर जाके करना। अभी लिखें वर्किंग नंबर 1, ज़रा जल्दी करें, जल्दी जल्दी, अभी लिखना कुछ नहीं, अभी से वर्किंग करें। आप सुनो, पीरियोडिक में 5 बजे छोटू को कहाँ भेज देते हैं? वो क्या करता है? ये कर लिया फिजिकल काउंट, मैंने उसे कॉस्ट के रेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कितना आया? मैं एंट्री करने लगा था, मुझे कौन मिल गए? बाबा जी मुझे बोर्ड के जाकर उन्होंने क्या कहा? चेक कर ले कहीं NRV कॉस्ट से, क्योंकि अगर कम हुई तो इस पे एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो कम वाली पे होगी। पहले तोड़ दो, बाद में, इसलिए NRV एडजस्टमेंट पीरियोडिक में ऑटोमेटिकली होती है, पीरियोडिक में ऑटोमेटिकली होती है। जी भाई, छोटू ने फिजिकल काउंट किया, मोटू ने रेट लगाया, ये कॉस्ट आ गई, बाद में बाबा जी आए, मुझे बोर्ड के और क्या कहा, वो क्यों इंसल्ट करवाना चाह रहा है? पहले कॉस्ट को कंपेयर कर, फिर दोनों में से उसकी एंट्री पास करेंगे। सम आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, 1,50,000 के कितने हिस्से करूँगा? 1 नॉर्मल, 1 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पे, नॉर्मल पे, नॉर्मल की आमतौर पे NRV क्वेश्चन में अगर हो भी तो कॉस्ट से, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिख के विच एवर इज, कितना लिखूंगा? 1,10,000। अब इसकी क्या कैलकुलेट करूंगा? NRV कितने का बिक सकता है, क्या लगाने के बाद? ये है एस्टिमेटेड, ये है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल या रेमेडियल वर्क, कुछ भी कहे, इसमें से ये NRV आएगी। कितनी आई? 24,000। उसे 40,000 से कंपेयर करूंगा, विच एवर इज लोअर, क्या आएगा? सिखाया था बस यही, मैं कह रहा था सारे टॉपिक मिक्स होके आएंगे, अगर हम एक्टिव हुए तो फिल्मी हीरो की तरह सारे विलन से। ये 10 चैप्टर विलन है, आप हीरो है, और फाइनल अकाउंट चलो वर्किंग 1 करो जल्दी से। yes, sir. सब बच्चे करें जैसे मैं क्लास में करवाता हूँ वैसे करें, जल्दी जल्दी, शॉप टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी शॉप,
थकना नहीं है, आखिरी 10 दिन है, इंशाल्लाह मेहनत करनी है, उसके बाद सुकून से ईद मनाइएगा, अल्लाह आफियत रखे। आज 3 तारीख है। दो बजे अभी मैं सारी कैलकुलेट करूंगा, अभी तो आइडिया दिया मैंने, सामरी में ही वर्किंग कर रहा हूँ। आ रहे हैं आज देते हैं शहबाज नमाज को, कहें मुझे पोर्टल की कंफर्मेशन दे। लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमाई देखते हैं लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखते। अब आप लगे हुए हो ना रमज़ान ना रोज़ा ना कुछ, हाँ लोग यही कहते हैं। भाई जल्दी करें, सैफू आपने कर लिया छोड़ दो। आओ जी आओ, एडजस्टमेंट नंबर 1 करते हैं। छोटू ने काउंट किया, मैंने उसे कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो कितनी कॉस्ट बनी थी? 1,00,000। इसमें से कुछ डिफेक्टिव हो गया, बाकी सही है। जो डिफेक्टिव है वो कितना है? 40,000। जो नॉर्मल है, इसकी एनआरवी क्वेश्चन में इसकी गिवन है, कैसे करूं? 28,000 माइनस कितना बना जी? 24,000। ओके, इन दोनों में से लोअर क्या होगा? इन दोनों में से लोअर 24,000। पहले तोड़ दिया फिर जोड़ दिया, जोड़ दो 1,34,000। पीरियोडिक है, पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है? बाबा जी को मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, अगर बाबा जी ना होते तो मैं एंट्री कितने पे पास करता? 1,00,000। और वो गलत हो जाती, स्टॉक ओवर स्ट्रेट हो जाता, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट मीट ना होता, आई कैप एग्जामिनर मेरा क्वेश्चन गलत कर देता। ओके पक्का? अब ये क्या है? चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट। कुछ नहीं आप कहना नया लेकर आ, कुछ नहीं है, सब सिखा चुका हूँ।
सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, एडजस्टमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आऊँगा, आपको मुख्तलिफ तरीके से नर्व्स आपकी टेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि कितना प्रेशर ले सकते हो। ओके, अब मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। पोस्टेज एक्सपेंस अक्रूड का मतलब हेलो पेबल कितना, अब बताओ एक्सपेंस पेबल की एंट्री, ट्रायल में जो एक्सपेंस होगा। अब अगर मैं कहूं कि मुझे एक्सपेंस का लेजर बना दो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया, बना सकते हो, उसे वर्किंग टू कह दो, जल्दी से करो। पोस्टेज एक्सपेंस ट्रायल में ढूंढो कहाँ पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, ये क्या है, पेड, पेड की एंट्री बोलो, एक्सपेंस डेबिट, पेबल की एंट्री बोलो, यार तुमने पेपर नहीं देना, बुरी बात यार, वो बच्चियाँ बोलती हैं या यहाँ आगे के बच्चे बोलते हैं, ऐसे तो नहीं होगा, मैं चीख चीख के थक जाऊंगा एंड में, तुम वहीं पे हो यार, वेरी बैड यार, इस एटीट्यूड से क्या होगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने फीस जमा करवाई है। ये क्या है, एंट्री बोले, वो क्या है, 20,000, एंट्री बोले, ये गया, वो खर्चा, कितना बकाया है, 20,000, बकाए की एंट्री हो गई, खर्चे की भी हो गई, अब लेजर बनाओ और मुझे पीएनएल की एंट्री बताओ, कितनी अमाउंट की करोगे, पहले एंट्री बोलो, जल्दी करो बेटा, अब आपने करना है, प्लीज़ सबको करने दें, बच्चियों सबको करने दें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इससे कंफ्यूज तो नहीं होते खड़े होने से, बस ठीक है, आओ इधर, एक्सक्यूज मी, पेबल की एंट्री बोले, कितने से, ओके, अब हर बच्चा मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा हो, बेटा बहुत महंगी पढ़ाई है इसलिए प्लीज, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि यार बस ठीक है सर कर रहे हैं, करने दो, कुछ आगे वाले कर रहे हैं, बैक मेंचर का आखिरी बच्चा भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए जितने फ्रंट पे बैठने वाला बच्चा है, फिर तो क्लास का रिदम का मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब बताओ ट्रायल में जो होता है एंट्री बोले, कितने से, पेबल की एंट्री 20,000, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल भी, क्लोजिंग प्रीपेड भी, क्लोजिंग पेबल है, अब ये पीएनएल क्या है, खर्चा, खर्चे की एंट्री बोले, कितने से, ओके, अब पोस्टेज जाएगा कहाँ पर, पोस्टेज जाएगा कहाँ पर, एडमिन में, क्यों नहीं लिखा यहाँ, ये पुराना था, एक मिनट बोलते नहीं हूँ, नो प्रॉब्लम, लव यू, एक ऐसी आदत ख़राब हो गई है, जैसे ही मैं चाय का कप उठाता हूँ ये मानकुल मौत की दौरान सारी और चाय वहीं पे ख़राब हो जाती है। चलो ओके हो गया, कितनी एडजस्टमेंट हो गई, दो हो गई, आगे आए, अब तीसरी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट, करें, पहली दो में मसला तो नहीं आया, शाबाश शाबाश, कीप इट अप, हाफिज शबाज को बुला,
तुम वर्किंग नहीं कर रहे, वर्किंग डिस्कशन कर रहे हो, अब ठीक फिर कर लो। एक्सक्यूज मी, सुनना जरा, ओ भाई ऑनर बिजनेस में पैसे ले आया, उससे डिटेल लेंगे भाई कहाँ से लाया? नहीं, क्या कहेंगे? कैश डेबिट कैपिटल। ऑनर हमारी ड्रॉअर में से पर्सनल यूज के लिए पैसे ले गया, उससे पूछेंगे भाई ये पैसे बाहर जाके तू क्या करेगा? पक्की बात? बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होने हैं तीसरी एडजस्टमेंट में, ध्यान से करो। इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मजेदार एडजस्टमेंट है। इस तरह की एडजस्टमेंट आ सकती है, मॉडल पेपर में इस तरह की एडजस्टमेंट मौजूद है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे दूं कि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। हेलो, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। पता है इससे फायदा क्या होता है? बच्चे का मोरल डाउन नहीं होता, वो ये नहीं समझता कि मुझे नहीं आता। आप सबके लिए ये एडजस्टमेंट जिंदगी में पहली दफा आई है। अब सिखाऊंगा ताकि अगले 2-3 क्वेश्चन में इंशाल्लाह पक्की हो जाएगी। करें ध्यान से, अभी अपने कॉमन सेंस लगाएं, जितनी भी जजमेंट लगा सकते हैं। वो एक कहानी याद है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, जालिम को मजलूम को उसका, मासूम को नहीं। बस ये बातें याद हैं तो हो जाएगा इंशाल्लाह। किससे? आपने मेरे से ये क्लासेस नहीं पढ़ी? अच्छा, हम 150,000 है, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है और सही कितनी है? 110,000। जो सही हैं उनकी NRV 110,000 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है? इसलिए 110,000 कम है तो वो लिख लिया। दूसरी तरफ कॉस्ट कितनी है डिफेक्टिव की? 40, और उसकी NRV कितनी है? 24,400 को किससे कंपेयर करूँगा? 40 से। दोनों में से जो छोटा होगा वो ले लूँगा, ठीक है? फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँगा। ये किया बेटा भाई, वो पेज 26 की लिस्ट दे दीजिए, उनके पेपर हैं यार, पोर्टल देना है उन्हें, मैक्सिमम कर दीजिए, 10-15 मिनट में दे दीजिए प्लीज़। शुरू करो। आओ भाई, ये क्या है? इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड। कौन सा इंश्योरेंस एक्सपेंस? जो ट्रायल में आ रहा है, कहां है ये? 55,000 में शामिल है 12 महीनों की पेमेंट फॉर फायर इंश्योरेंस ऑफ शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ, पर्सनल एक्सपेंस ना कहें, पर्सनल हाउस कह दीजिए, अहमद ये सही कर दें, पर्सनल हाउस। अब ऑफिस की, शॉप की इंश्योरेंस, और सर अंसारी के पर्सनल घर की इंश्योरेंस, शॉप की इंश्योरेंस कितनी है? और सर के अपने घर की इंश्योरेंस? अब सर ने घर से फोन करके कह दिया कि यार इंश्योरेंस वाले आ रहे हैं, जब तुम राइस की बिल्डिंग की इंश्योरेंस की प्रीमियम दो, मेरी रेजिडेंस की जो बिल्डिंग है उसकी भी प्रीमियम दे देना। अब मुझे बताओ, मजर को जो अकाउंटेंट है, उन्हें ये 15,000 कहां पुट करने चाहिए थे?
लाइंग्स में उन्होंने कहां पुट कर दिए। आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, शाबाश, गुड। आओ अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुने। इस 15,000 की ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कितने से? राइस के अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास की? कितने से? ध्यान से सुनना, मासूम कौन है इन दोनों में से? कैश मासूम है, कैश मासूम। उसने क्या होना था? क्रेडिट होना था। आपने भी उसे उसे छेड़ना नहीं है, उसे मजलूम कौन है? उसने क्या होना था और आपने उसे डेबिट, तो उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। ये कब्जा ग्रुप है, इसका नाम क्या है? इंश्योरेंस। ये जालिम है, डेबिट पे बैठा हुआ है और इसे डेबिट पे बैठने का हक नहीं है। इसे ये डेबिट छीनो। कैसे छीनो? क्रेडिट करूं। कितने से? 15,000 से। इस तरह की एडजस्टमेंट आएंगी आपको अगले 12 लेक्चर्स में। ये चीजें करवानी है मैंने आपको, करना होगा कुछ, कर देगा कुछ। एक होगा उसमें मासूम, एक होगा जालिम, एक होगा मजलूम को उसका जालिम से वो चीज और मासूम को। अब दो चार क्वेश्चन करेंगे, हाथ में आ जाएगी बात। अच्छा, पेपर में इसका रोल नहीं है, इसका रोल नहीं है, किसका रोल है? रेक्टिफाइंग में ड्राइंग्स को क्या करूं और इंश्योरेंस एक्सपेंस को? कितने से? 15,000 से इंश्योरेंस एक्सपेंस। ओके, हो गया। अब अगली बात, वो कहते हैं हर बात में एक बात होती और वही असल बात होती है। अब गौर से सुनिएगा, पेड़ कितना है, इसमें ए कितनी है? 40,000 की फिगर और एक। अभी हमने किसे डील किया और उसकी एंट्री पास कर दी। अब इस 40,000 को डील करने लगा, कहते हैं 55,000 में शामिल है 12 महीनों का खर्चा, कितना? और वो 12 महीनों का खर्चा कब तक का है? और तुम्हारी एंडिंग डेट, पैसे दिए 12 महीनों के, एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा दिए, इन 3 महीनों के पैसे दे दिए, सर्विस, पैसे चले गए, सर्विस नहीं ली, क्या कहेंगे? अब अगला सवाल तुम्हारे जहन में आएगा, ये काम इधर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं, वो जाने और उसकी जिंदगी जाने, हमारी तरफ से कितने गए, हमने उसे कहां पुट कर दिया, उसकी पर्सनल लाइफ का प्रीपेड मैं और आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, ये तो बिजनेस की शॉप और शॉप के लिए कोई प्रीपेड होगा तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ड्राइंग्स का आगे कोई प्रीपेड होगा तो हम नहीं। पक्का लिखो, ऑनर की ड्राइंग्स का कोई प्रीपेड वगैरह होगा या पेबल होगा, उससे हमारा कोई लिंक नहीं। क्या कहा? ऑनर की ड्राइंग्स का कोई प्रीपेड हो या पेबल हो, किसी और क्वेश्चन के लिए भी लिखवा रहा हूं, या पेबल हो, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं होता। वो जाने उसकी पर्सनल लाइफ जाने, वो जाने उसकी पर्सनल लाइफ जाने।
जी भाई चलो। यस सर। आप सुनो क्या कह रहे चलानी पे किया हुआ? नहीं, लेक्चर के बाद बैंक का टाइम ख़त्म हो जाएगा, 2 बजे बंद होता। चलो मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ आज क्लास। कितने बच्चों ने चलान जमा करवाना जी? लास्ट डेट है ना, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्लास। सुनो भाई, एक्सक्यूज मी, अब क्या करूँगा? अब इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए। एक्सक्यूज मी, मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/22। मैंने कितने पैसे दिए? कितने महीनों के? कितने महीने एक्स्ट्रा दिए? ये क्या है? प्रीपेड कितना बना? 10,000। प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बोले? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब जरा ध्यान से, ट्रायल में जो फिगर होती है वो कितनी है? 55,000। अब ध्यान से सुनना, इस एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। और ड्राइंग्स क्या हो रही हैं? कितने से? 15,000 से। ओपनिंग पेबल, ओपनिंग प्रीपेड भी नहीं है। क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। अब यहां कितना है? ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये दोनों फिगर इसमें से माइनस कर दो। अब ये 30,000 क्या है? PNL। 30,000 क्या है? और ये किस हेड में जाएगा? इंश्योरेंस एडमिन में जाएगा। कहां जाएगा? और कौन सी फिगर जाएगी? PNL। कितनी? 30,000। कितनी? 30,000। ओके, हो गया। ये वाली बात बार बार आएगी, ये भी बार बार आएगी। इसके लिए प्रीपेड नहीं करना, इसके लिए प्रीपेड करना है। ये कंफर्म है कि 2 बजे तक बैंक की टाइमिंग है? यस सर। ठीक है, आगे सुने भाई। ये 2-3 एडजस्टमेंट करवा के छुट्टी दे रहा हूं। वन ऑफ नवीन डेटर नेम्ड एज हैज आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 20,000। नवीद का एक डेटर है जिसका बैलेंस 20,000 है। नवीद का एक डेटर है, अब आओ इधर, ये इसमें 20,000 है, क्योंकि डेटर है, ये डेटर्स ही तो हैं, इनमें 20,000 है। नवीद ने डेट ओनली कुड बी फ्रॉम 20% मिल जाएगा, 80% डूब जाएगा, ये मेरा अंदाजा है। एक डेटर है जिसका नाम बबलू है। अब बताओ, जनरल अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस? डूब गया है, डूब जाएगा, 20% डूब जाएगा, 80% डूब जाएगा। नवीद कैलकुलेट करता है जनरल प्रोविजन किस रेट पर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में नवीद का कोई गुड डेटर नहीं है, एक स्पेसिफिक अलाउंस है और बाकी आओ भाई, डेटर में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं? आ गया भाई। एक्सक्यूज मी, ये किससे रिलेटेड है? फिक्स एसेट से रिलेटेड है। ये देखें, नीचे एक चीज छुपाई भी हमने जान के, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल मेड टू मिस्टर अमाउंटिंग टू, बट नो एंट्री वॉज रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या रिकॉर्ड नहीं की? क्रेडिट सेल की एंट्री बोले। ये कब रिकॉर्ड कर रहा हूं? 5 बजे के। तो फिर जो ट्रायल में डेटर है उसमें ये शामिल, तो वो डेटर अनएडजस्टेड है।
और ये रिकॉर्ड होगी 5 बजे के ट्रायल में से अनएडजस्टेड डेटा लेकर आओ। वो ये सीडी है, ये सीडी यहाँ आएगा। डेटा डेबिट कितने से, एडजस्टेड कितना आया, चैप्टर नंबर। अब यहां देखें, एक्सक्यूज मी, ट्रायल में कोई बैड डेट एक्सपेंस है? है? अगर ट्रायल में आ रहा है तो वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा। यहां कितना आया होगा ड्यूरिंग द ईयर? बैड डेट डेबिट हुआ होगा, डेटर वो यहां आया होगा। और यहां जो 80,000 है, यहां कहीं 15,000 होगा और हमारा उससे कोई लेना देना ये अनएडजस्टेड यहां आ जाएगा। ऐसे ही सिखाया था। 5 बजे के बाद कोई बैड नहीं हुआ। अलाउंस का बीडी कहां मिलेगा ट्रायल में? अलाउ ढूंढ के 30,000। कितना याद है? ये वर्किंग करते थे। कोई गुण बबलू कौन है, उससे कितना लेना है, कितना डूब जाएगा? 80 कितना बना? 16,000 डूब जाएगा। इस सीडी को कहां लिखा करता था? यहां लिखा करता था। जनरल कैसे लाता था? इसमें से ये सारे माइनस करके कितना आया? इसका रेट बोले, अमाउंट बोले, टोटल करे, ये 23,000 क्या हुआ करता था? अलाउंस का सीडी। अलाउंस का अप हुआ, डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज की एंट्री क्या होती थी? अलाउंस डेबिट बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। माजी का फ्यूचर की नेट गम। नई बात तो नहीं आ रही? रिवाइज कौन करेगा? मैं इंशाल्लाह इतना काम करवा दूंगा कि रिवाइज क्लास में ही हो जाए, अल्लाह ने चाह तो। ओके हो गया। आखिरी एडजस्टमेंट, क्या लिखा हुआ है? द अबव बैलेंसेज ऑफ आर, कहते हैं प्लांट यही पूरे साल था, यही सीडी में गया। क्योंकि ट्रायल कब बनी? 5 बजे। लेजर के अकाउंट में क्या पड़ा होता है? बैलेंस सीडी। लेकिन पूरे साल इसमें कोई चेंज नहीं आई, इसमें भी कोई चेंज नहीं। आगे सुने, नवीद बॉट अनदर प्लांट। नवीद ने एक और प्लांट खरीदा ऑन 1/4, कॉस्टिंग रुपी 30,000। अब मुझे बताएं, ये 30,000 रिकॉर्ड हो चुका या नहीं? नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा ये जो बैलेंस है, ये देखो, द अबव बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर, इसका मतलब उसने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम इसको रिकॉर्ड 5 बजे के ट्रायल में कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा नहीं, इसका मतलब 5 बजे तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुआ। अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, इस पे भी करूंगा और इस पे भी करूंगा, लेकिन पहले इसे इन करने की एंट्री पास करूंगा। आगे सुने, अनदर व्हीकल वाज परचेज ऑन कॉस्टिंग, इस पर डेप्रिसिएशन का रेट किस मेथड से? इसका मतलब ये दोनों एडिशन इनमें शामिल, क्योंकि उसने कहा द अबव बैलेंसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर ओपनिंग बैलेंसेज। याद रहेगी बात? करके खानी औखी होती है, इसलिए मेहनत करो ताकि मेहनती आदमी बनो, ये ना माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते रहो सारी जिंदगी के लिए। चलो शाबाश।
एक्सक्यूज मी, अब बताओ बीडी के एसेट्स कितने हैं जी? 1 लाख है, ठीक है। नया प्लांट कितने का खरीदा? 30 लाख। एंट्री बोले, प्लांट डेबिट। और व्हीकल कितने का खरीदा? 60 लाख। एंट्री बोले, ओके हो गया। अब गौर से सुनना, ये एंट्री कब पास की? तो प्लांट भी चेंज होगा, बैंक भी, व्हीकल भी, बैंक भी, ये क्या थे? बीडी कैश नहीं लिखना अहमद बेटा, वहां बैंक लिखा था, यहाँ बैंक। प्लांट डेबिट कितने से? बीडी कितना बना? 1 लाख। ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? यस। ला बीबी दिखाओ, ना ना बीबी दिखाओ, किधर है यार? बीबी कमाल हो गया तुम्हारा, यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका मतलब अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो फिर जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये ओपनिंग बैलेंस है, कितना है प्लांट का जी? 20,000। ओके हो गया। अब क्या कैलकुलेट करूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट के लिए मेथड बोलो। स्ट्रेट लाइन में फार्मूला होता था इनटू डेप्रिसिएशन रेट। क्या नहीं है क्वेश्चन में? किस पर लूंगा? ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट बताओ, रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? ओपनिंग एसेट्स क्या है? 15,000। अब क्या करूं? कितना है रेजिडुअल वैल्यू है? रेट लगा दूं, फ्रैक्शन लगाऊं? कब खरीदा? 1/4/22। और बीडी कब है? 1/1/22। सीडी कब है? 31/12। रूल क्या सिखाया था? एडिशन का रूल, एडिशन का रूल बाइंग डेट से ईयर एंड तक। क्या बोला था? दोबारा बोलो एक दफा और, फिंगर्स पे काउंट करो, वरना आज उंगलियां गई बच्चियों तुम्हारी। कर लो काउंट, चुनवा दूंगा उंगलियां। 9/2 बोलो भाई, 3,000 जमा कर दें, 18,000। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंट्री बोले, 18,000 टोटल करें, 38,000। दूसरी तरफ भी सीडी कितना आया? ये कहां जाएगा? एडमिन एक्सपेंस में। ये कहां जाएगा? इस सीडी में से। ये सीडी माइनस होगा कहां? बैलेंस शीट डेट में। बातें पुरानी हैं, एक दो दिन लगेंगे, सारे चैप्टर एक वक्त में तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं। अल्लाह ने चाहा हो जाएगा, आपसे पहले वाले भी बच्चे ऐसे ही पास हो के FR1 में आए हैं, लेकिन कोशिश क्या है? डेडिकेशन। बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस सीडी में से, जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो जीपी में से ये, ओके हो गया। अब आए व्हीकल पे, बीडी बताए, ट्रायल में गिवन है 1,00,000। ये कब है? 1/1 एडिशन कब हुआ? 1/9 कितने का हुआ? ये बीडी है, एडिशन की एंट्री बोले, कितने से? 60,000 से। सीडी कितना बना? 2,00,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी लाओ ट्रायल में से। अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब यहां जगह नहीं है,
खामोश। वर्किंग नंबर, वर्किंग चलो बाद में दे दूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पर? व्हीकल पर। क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। फिर क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन, मेथड कौन सा है? WDV। ये जो ओपनिंग एसेट्स हैं ये अपनी जिंदगी के पहले साल में है या नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में? WDV मेथड हो, पुराने एसेट हो, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर या WDV पर? ओपनिंग WDV कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? 140,000 में से ओपनिंग WDV आ गई। रेट बोलो। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? ओपनिंग एसेट्स हैं, कितने बने? ये क्या है? कितना आया? रेट बोलो। 10%। WDV मेथड हो, एसेट अपनी जिंदगी के पहले साल में हो तो उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी रेट लगा दिया। कब आया? कब तक रहा? कितना इस्तेमाल हुआ? 4/12 कर दूं? बोलो। 2,000 जमा करो, 12,000। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंट्री बोलो। कितना लिखूं? दोनों को जमा करो, 52,000। इधर भी, इधर कितना? अब ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट हो गया। जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस CD में से ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस में चला जाएगा और GP में से। ओके, इस पर परेशान नहीं होना, ये सब आपने किया हुआ हो। कह रहा है एक ही क्वेश्चन में पूरा इंट्रो आ रहा है। एक ही क्वेश्चन में इधर दिल संभालते हैं, दिल इधर चला जाता है, इधर संभालते हैं तो पेट में भूख लगती है। सर रोजों में ये तू क्या करवा रहा है हमारे साथ? होता कुछ भी नहीं है, इंसान को ऐसे ही करते करते वो सीख जाता है। टेंशन नहीं लेनी आप है? इंटरेस्ट जगह है, तूने पता नहीं कहाँ जगह खुदा दी मुझे। ठीक है सर, जगह दिल में होनी चाहिए, आपके दिल में बहुत जगह है कुछ लोगों के लिए। आओ जी, हमारे लिए ही नहीं जगह इनके दिल में। आप सुने भाई, हेलो, 5 बजे के बाद बैंक को क्या किया? 5 बजे के बाद बैंक को क्या किया? तो फिर जो ट्रायल बैलेंस में 5 बजे का बैंक पड़ा हुआ है उसमें कमी आई या इंक्रीज हुआ? तो कह सकता हूं बैंक जो ट्रायल बैलेंस में है वो अनएडजस्टेड है, उसे 5 बजे के बाद बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एडजस्टेड डेटर वगैरह बनाए। अब बताएं ट्रायल बैलेंस में बैंक कितना है? जी अनएडजस्टेड क्लोजिंग 60,000। ओके हो गया। बैंक कितने से क्रेडिट हुआ? प्लांट क्या हुआ? फिर बैंक क्या हुआ? व्हीकल क्या हुआ? फिर तुम्हें BP लो हुआ। क्यों? सारी जिंदगी ये पढ़ा ये ज्यादा होता है ये, आज जुलम क्या हुआ ये ज्यादा, ये बड़ी साइड का टोटल करो, दूसरी साइड पे भी 90,000 में से 60,000 माइनस करो, ये क्या आया? बैलेंस। और इसे बैलेंस CD को क्या कहेंगे? बैंक, क्योंकि क्रेडिट क्लोजिंग है। पढ़ा था 60, विड्रॉ किया 90, ये एक लायबिलिटी है, ये एक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। आप सुने, चैप्टर नंबर 4, आपने लोगों से लोन ले लिया, ले लिया, इसका मतलब आपने उससे कर्ज लिया, कर्ज लिया तो उसे क्या देंगे?
इंटरेस्ट देंगे। अब सुनना, कितना लोन लिया हुआ है, कब लिया, साल के पहले दिन से भी पहले लिया, पूरा साल इस्तेमाल किया, कितने परसेंट इंटरेस्ट। इस 10% की सम टाइम यहां कोई वर्किंग नजर कभी नहीं नजर आएगी। ओके हो गया। लेकिन इसका यहां ये लिखा होना बता रहा है कि हमने एक साल का खर्चा किया, एक साल का खर्चा किया। आए जी, हमने 15,000 पे किया। ये क्या है? गया। ये क्या है? खर्चा। 2,00,000 का कितने परसेंट? 10%। कितना? 20,000। खर्चा कितना किया? गया कितना? कितना बकाया? एक्सपेंस का जो बकाया हो उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट पेबल कहते हैं। एंट्री बोले। ये पीछे दीवार तोड़वा। इंटरेस्ट एक्सपेंस। गए की एंट्री बोले कैश डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितना? 15,000। खर्चे की एंट्री बोले PNL। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2,00,000 का कितने परसेंट? 10%। कितना? 20,000। खर्चा गया 5,000। बकाए की एंट्री बोले। अच्छा एक बात नोट की है मैंने, इंडिविजुअल टॉपिक क्लियर है, एंट्रीज याद आ रही हैं, तो इसका मतलब कोई फिक्र की बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कारी भाई जो है ना, हाफिज साहब, रमज़ान से एक दिन पहले हर हाफिज टेंशन में होता है जिसने मुसल्ला सुनाना होता है। वो क्या कहता है? होता ही नहीं यार, 30 सिपारे कुछ भी नहीं है। और हर साल वो ऐसे ही होता है, लेकिन जब माशाल्लाह मुसल्ले पे खड़ा होता है तो सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। तो हमने अल्लाह के फजल से मेहनत से सारे चैप्टर किए हुए हैं, फिक्र की कोई बात आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा, इफ्तारी के बाद ज़्यादा आएगा, इफ्तारी के बाद सारी वर्किंग हो गई। अब मैं क्या करूंगा? इनको पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन पे लेके जाएं। आओ भाई इधर, एक्सक्यूज मी भाई, ये जरा सही कर लें, ये क्लोजिंग पेबल नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड है। जी बच्चों पूछे। जी शाबाश, गुड। जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जाएगा। बुलाएं अहमद मुझसे मज़र को। ओ यार इशारा करके अंदर खड़ा होना। अहमद का काम कर दो बस, ठीक है, अहमद का काम कर दो। जी थैंक यू। ओके हो गया। अब आ जाए इधर। बिजनेस का नाम क्या? नवीद लिमिटेड। ओके। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22। क्या चाहिए? सेल्स की फिगर बताएं। सेल्स रिटर्न बताएं। डिस्काउंट अलाउड बताएं। नेट करें 3,00,000। ये क्या है? रेवेन्यू। ये क्या है? कितना? 3,00,000। अब क्या चाहिए मुझे? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक बताएं। परचेजेस बताएं। 1,00,000। परचेज रिटर्न बताएं। 40,000। यार कितनी गंदी बात है, आप यहाँ से डाटा बताओ, तुम बातें कर रहे हो, कितनी बुरी बात है, वेरी बैड बेटा। परचेज रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव। वेजेस नहीं है। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ये है 1,34,000।
यार तू वैसे बड़ा ही ना ढीला आदमी है, वो सारी फिगर बता देते हैं, एंड में 400 तू बोल देता है। मैं 2 घंटे से नोट कर रहा हूँ सारी फिगर के बाद आगे तू 400 बोल के कहते हो बस ठीक हो गया। इसका मतलब जब शेरनी चुप हो जाया करेगी तेरे पर सारी दहाड़ के, उसके बाद तू बोला करेगा। खामोश, बड़ों के सामने नहीं बोलना ना छोटों के सामने बोलना। एक लाख ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो 1,35,600। ये बॉयज आंसर नहीं दे रहे हैं। जेपी बोले, बच्चियों ने नहीं बोलना, कोई बच्ची नहीं बोलेगी। 2,00,000, कोई बच्ची नहीं बोलेगी। सेलिंग एक्सपेंस पे आए, सेलिंग कमीशन है। अच्छा यहीं पे देख के कहते हैं नहीं, वहां जाते ही नहीं हो। तुम्हारा वही साहब है, मैं उम्रे पे गया साथ मेरी छोटी बेटी थी, मैं उसी को लेके चल रहा था, तो चौथे या पांचवें सही पे कहती है बाबू मैंने नहीं करना। मैंने कहा बेटा तेरी मेहरबानी, कहती है अलबेग खिलाओगे तो पूरी करूंगी। तो वही तुम्हारा हिसाब है, मैं कह रहा हूँ यहाँ बताओ यहीं से, नो सर जान दो अब हमसे नहीं हो रहा। हिम्मत करनी है यार, क्या हो गया, ढूंढो। सेलिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल। बच्चियों नहीं बोलना तुमने। 40,000 टोटल करो, माइनस 40,000। डिस्ट्रीब्यूशन में कैरिज आउटवर्ड, डिलीवरी चार्जेस 30,000, पैकिंग कॉस्ट टोटल करो, माइनस 30,000। एडमिनिस्ट्रेटिव पे आओ, पोस्टेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैड डेट बताओ। बैड डेट एक्सपेंस कहाँ है, बैड डेट ये आठ, उधर से नहीं देखना होता भाई, यहाँ से देखना है कितना, 8,000। ओके हो गया। अब आए डेप्रिसिएशन पे, एक ये है और एक ये है, 12,000। ये 2 डेप्रिसिएशन है, दोनों कहाँ जाएंगी, एडमिन में। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, एडमिन में। बेटा बातें नहीं, एडमिन एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन। बोलो भाई पहली फिगर कितनी है, 18,300। फिर कितनी है, 12,000। एक मिनट सब्र करो, इधर से कोई चीज आ गई तो क्या करोगे। पोस्टेज एक्सपेंस, इसकी कोई वर्किंग की थी, कहाँ की थी, ये PNL खर्चा कितना, 60,000 लिख दिया। बस जी, पोस्टेज के बाद ये तो इनकम है, ओके है? फ्री सैंपल कर दिया, चलो भाई करो। 1,03,000, 1,28,300 माइनस करो, क्या 41,000। अब अदर इनकम पे आना है, ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है, पेड नहीं होती, बची जाग। रेंटल इनकम, ट्रायल में जो इनकम होती है कोई एडजस्टमेंट है उसकी, ढूंढो इनकम की कोई एडजस्टमेंट, बच गए। इसका मतलब जो आया वही कमाया, ना बकाया ना इजाफी। पूरा जुमला बोलो, कितना आया, और यही कमाया। अब इसमें से लेस क्या करना है, कितनी चीजें होती हैं,
इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेड या खर्चा, खर्चा ढूंढो, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया था, ये कितना है 20,000 नजर आ रहा है शेरोज, 20,000 मार्कअप नहीं है, ये इसी का दूसरा नाम होता है। बैंक चार्जेस ढूंढो, बैंक कमीशन ढूंढो, कितना हुआ 20,000 माइनस करो जी 71,000 अब कहाँ आऊँगा बैलेंस शीट में। सबसे पहले ये भी फिल करना पड़ेगा पेपर वाले दिन, एसेट्स में प्लांट यहाँ से लूँ या वहाँ से सीढ़ी लूँ, शाबाश बोलो 1,30,000 इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी माइनस करो जी, और नहीं बीबी सीडी सीडी बीबी सीडी सीडी शाबाश 38 by 38 37 माइनस करो जी 91,625 व्हीकल का सीडी लाओ लेजर में से 2,00,000 इसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी लाओ 52,000 माइनस करो 1,00,000 दोनों को जमा करो 2,00,000 अब क्या चाहिए, कौन सी ढूंढ के लाओ, क्या है ये 1,34,000 1,34,400 भाई तुमने बैग भी बंद किया हुआ, कोई कैलकुलेटर भी नहीं आपके हाथ में, आपसे कह रहा हूँ हाँ कर रहे हो यार, तो छुट्टी के इंतजाम में पता नहीं किस सोच में है यार, तो तेरी वजह से बच्चे खराब हुए। आ गया हो ट्रेड एंड डेटर का सीडी लाओ, डेटर का सीडी 80,000 लो 90,000 लो, ये कभी नहीं लेना होता, हमेशा हमेशा कौन सा लेना है, कितना है अलाउंस का सीडी लाओ, अलाउंस का सीडी माइनस करो, ओ जा बीबी ओ जा बीबी 67,000 आएगा। ओ बीबी जी छोटी छोटी बच्चियां कहाँ इतना बोझ डाल लिया अपने ऊपर। चलो प्री पेमेंट लाओ, इधर नहीं होगा इधर होगा, प्रीपेड ढूंढो कोई, प्रीपेड ये आ गया कितना 10,000 ये आ रहा है, प्री पेमेंट कितनी ओके एडवांसेस लाओ, एडवांसेस कहीं हैं, कहाँ है ये एसेट है ये लाइबिलिटी है, एसेट लेकर आओ कितना 10,000 ओके हो गया। कैश ढूंढ के लाओ, कैश नहीं है, एक मिनट सबर बच्चो सबर, गुस्सा नहीं करते बुरी बात, वो बीबी मुझे भी पता नहीं है जरा सबर, कैश नहीं है और बैंक का सीडी हो चुका है नेगेटिव 30,000 नहीं भाई वो लाइबिलिटी में आएगा, यहाँ क्या आएगा जीरो, टोटल करें करंट एसेट्स 2,00,000 तंग तो नहीं आ जाते मेरे से भाई, ये बैंक जो है ना क्रेडिट बैलेंस हो गया ना, क्रेडिट बैलेंस हो गया तो लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी होगी तो बैंक ओडी में आएगा, सही है। थैंक यू सर आपने पास कर दिया, थैंक यू। चलो भाई इधर आओ, ओपनिंग कैपिटल ट्रायल में से लाओ, नब्बे हजार ये 2,00,000 वाली बच्ची भाई अमीर बच्ची है, ये अमीर बच्ची है या रोजा लग रहा है भाई, प्रॉफिट बोलो 71,000 ड्राइंग बोलो अच्छा, और ये देखो
15,000 ये भी है। इस टॉपिक का खेल ही ये है कि स्किप कुछ ना, वो तो वो है जो अनएडजस्टेड है। 5 बजे के बाद ड्राइंग इधर भी डेबिट हुई, अब दोनों को, और अगर यहां ड्राइंग क्रेडिट होती दोनों को माइनस करता, प्रैक्टिस से हो जाएगा, परेशान नहीं होना। इधर कितनी ड्राइंग, सॉरी नहीं किया, कर दे 461,000। अब भाई जी ड्राइंग्स पहले कितनी थी उधर, 5 बजे के बाद कितनी हुई, टोटल कितनी हुई, 35,000। माइनस करो, क्लोजिंग बोलो 1,26,000। लॉन्ग टर्म लोन ढूंढ के लाओ जी, 2,00,000 ये लिख दो। क्रेडिटर ढूंढ के लाओ, 50,000। कितने, 50,000। पोस्टेज पेबल ढूंढ के लाओ, ये है कितना, 20,000। वो पेबल था ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना है, ये 20,000। डेबिट में होगा तो एडवांस टू सप्लायर है, क्रेडिट में है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। डेबिट में है तो एसेट है, क्रेडिट में है तो कितना है, 20,000। तीनों को जमा कर दो, 90,000। शॉर्ट टर्म लोन ढूंढ के लाओ, नहीं है, इंटरेस्ट पेबल ढूंढ के लाओ, ये है, ये देखो खर्चा गया और ये बकाया नजर आ रहा है, शहरोज शहरोज कितने का है, 5,000 का। आ जाए इंटरेस्ट पेबल पे, 5,000। बैंक ओडी ढूंढ के लाओ, 30,000। करंट लाइबिलिटीज का टोटल करो, 1,00,000। कैलकुलेटर पकड़ो, 1, 2, 3 तीनों को जमा करो, क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी तीनों को जमा करो, 4,51,025। सही है, कैलकुलेट करके बताना, जबानी नहीं बताना, ईमानदारी से कितना आया, 4,61,025। ओके, कोई कंफ्यूजन, नो सर। आज क्योंकि फाइनल अकाउंट का पहला दिन है इसलिए 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, बीआरएस अभी शुरू नहीं किया। आज आपका होमवर्क क्या होगा, कहो अगर बच गए तो आ जाएंगे कल, वरना तो उन्हें कसर तो नहीं छोड़ी। आज आके रिलैक्स हो ना, शाम में आपने कोशिश करनी है जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन भेजूं वो आप, अच्छा सुने, इंडिविजुअल टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करते रहें, मैं फाइनल अकाउंट करवाता रहूँगा, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी रिवाइज होती रहेंगी। अब जो है ना, इसे भूख लग रही थी, ठीक है, तो इसने कह दिया कि ये मैच हो रहा है, ये अभी मैच नहीं हो रहा, ज़रा देखिएगा, डेटर डेबिट, ये था डेटर डेबिट, तो सेल्स 10,000 की क्रेडिट हुई है 5 बजे के बाद, तो वो फिगर इसमें शामिल नहीं है, यहाँ जमा कर दें 4,00,000, और फिर उसमें कितना जमा करें, 10,000, कितना आएगा, 4,10,000, ये कितना बना, 3,00,000। इधर ले आए 3,85,000, माइनस करें 2,49,000, माइनस करें 51,025, प्लस माइनस करें 81,025, 81,025 यहाँ लाएं 1,36,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब एक एग्ज़ाम टिप सुन लो, बैलेंस शीट मैच ना हो तो डिफरेंस आया कितना, 10,000। अब आपने नज़र दौड़ानी है, या तो कहीं 20,000 का मसला है, या कहीं 5,000 का मसला है, या कहीं 10,000 का मसला है। लिखो एग्ज़ाम फोकस पॉइंट, अगर बैलेंस शीट आउट हो रही हो, क्या बोला, अगर बैलेंस शीट आउट हो रही हो,
अगर बैलेंस शीट आउट हो रही हो तो दोनों साइड्स का डिफरेंस लेंगे, और फिर उस डिफरेंस को ढूंढेंगे या उसके डबल को ढूंढेंगे या उसके, बोले भाई, हाफ को ढूंढेंगे या उस फिगर को ढूंढेंगे, बोलो, या डबल को ढूंढेंगे या उसके हाफ को ढूंढेंगे, दोबारा बोले, या उसको ढूंढेंगे या उसके डबल को ढूंढेंगे या उसके हाफ को ढूंढेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।